इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स को दो लोगों ने पकड़ कर रखा है और इसके बाद यह लोग इस शख्स के प्राइवेट पार्ट में मिर्च पाउडर डालते हुए भी दिख रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि जिस शख्स के साथ ऐसी बर्बरता की जा रही है, उस शख्स ने एक बाइक चोरी करी है और इसी चोरी के कारण उसके साथ ऐसी बर्बरता की जा रही है। चलिए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। मामला है बीते रविवार बिहार के अररिया शहर का, जहां एक बाइक चोरी के आरोप में एक चोर को कुछ लोगों ने पकड़कर उसके हाथों को बांधा हुआ है और इसके बाद इस अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया गया। वहीं चोरी के आरोप में पकड़े गए इस व्यक्ति के साथ ऐसी बर्बरता होने के बाद भी वहां पर खड़े लोग इन लोगों को ऐसा करने से भी नहीं रोक रहे हैं, बल्कि इन लोगों को उकसा रहे हैं और साथ ही चंद लाइक और चंद व्यूज के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। वहीं इस अमान्य वीडियो के वायरल होने के बाद अररिया जिला पुलिस भी तुरंत एक्शन में आ गई, जहां पुलिस ने इस अमान्य कृत्य में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 117 के तहत केस दर्ज किया। वहीं इसके बाद इस अमान्य घटना में शामिल मुख्य आरोपी मोहम्मद सिफात रवि शाह के साथ ही अन्य तीन आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और साथ ही अन्य आरोपियों की पहचान कर उनकी भी गिरफ्तारी के लिए टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। एक वायरल वीडियो हुआ था जिसमें अमानवीय कृत्य करते हुए वायरल वीडियो को फिर हम लोगों ने जांच में भेजा। जांच के उपरांत पाया गया कि वो अररिया थाना अंतर्गत इस्लाम नगर का है और उसके बाद हम लोगों ने कांड दर्ज करते हुए उसमें तुरंत अरेस्टिंग करी है और बाकी जो अभियुक्त थे उनकी हम लोग पहचान करके उसमें भी अरेस्टिंग करी है। अब तक सर कितने अरेस्ट हुए हैं? सर एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ है, बाकी लोग की हम लोग पहचान।